مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. चारसदा से सरफराज खान साहब ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ईसाई या गैर मुस्लिम अफराद हमें हमारी ईद के मौके पर मुबारकबाद भेजते हैं तो हम उन्हें क्या जवाब दें। वो हमें जैसे कहते हैं कि सदा सलामत रहो, जीते रहो, बरकत हो, तरक्की हो, तो हम इनका कैसे जवाब दें? क्या हम ये कह सकते हैं कि तुम भी सलामत रहो? ऐसे ही उनकी खुशी के मौके पर जो मुबारकबाद भी दी जाती है, तरक्की हो या शादी वगैरह हो या इस किस्म की कोई भी ऐसी हो, तो हम क्या उनको कह सकते हैं कि मुबारक हो? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उन्हें किस तरह जवाब देंगे? तो उसके लिए अर्ज ये है कि सलाम का जवाब उन्हीं लफ्ज़ों में होगा या उनसे अच्छे लफ्ज़ों में होगा। तो अगर ये लोग जो हमें अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो हम उन्हें वालेकुम कहकर जवाब दे देते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि हम उनके लिए सलामती की दुआ करते हैं। तो उसे मालूम होता है कि हम काफिर के लिए दुनियावी फ़ायदे की दुआ कर सकते हैं, बशर्ते कि वो हमारे साथ कोई दुश्मनी ना करे। और यही अल्लाह ताला के इस फरमान का तकाज़ा है कि जिसमें इरशाद है, वइदा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। फरमाया कि जब तुम्हें सलाम कहा जाए तो तुम अच्छे अंदाज में सलाम का जवाब दो या वही अल्फाज कह दो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब रखने वाला है। तो इमाम नबी फरमाते हैं कि वाज़े रहे कि गैर मुस्लिम के लिए मगफ़रत या उसी जैसी दीगर दुआएं जो कुफार के लिए नहीं की जा सकती, जायज़ नहीं है। ताहम उसके लिए हिदायत, बदनी, जिस्मानी सेहत व आफियत वगैरह की दुआ की जा सकती है। इसी तरह एक और जगह भी इरशाद फरमाते हैं कि अगर मुसलमान किसी भी गैर मुस्लिम को सलाम करना चाहे तो अस्सलामु अलैकुम ना कहे, बल्कि उसके लिए हिदायत की दुआ करें, या ये कह दे कि सुबह बखैर। और इसी तरह ये भी कहा गया है कि सुबह बखैर आपकी सुबह सआदत वाली हो, आफियत वाली हो, अल्लाह ताला आपको खुशियों से नवाजे, खुशहाली अता फरमाए, नेमतें दे, या इस तरह की कोई भी बात कही जा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए कि सब ये दुनियावी बातें हैं। और अगर उस कहने की ज़रूरत ना हो तो बेहतर यही है कि फिर कुछ भी ना कहें, क्योंकि अगर कुछ कहते हैं तो ये उसके सामने खंदा पेशानी और इजहार मोहब्बत के ज़ुमरे में आता है, जिसके लिए हमें रोका गया है। तो इस बिना पर अगर कोई गैर मुस्लिम अपने किसी भी पैगाम में ये कहता है कि आप सदा खुश रहें, तो उसके जवाब में ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप भी कह दें कि आप भी खुश रहें, आप भी सलामत रहें। और फिर इसमें मज़ीद अफसल बात यह है कि जवाब देने वाला दिल में उसकी हिदायत के लिए दुआ की नियत करें कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे दे। और सलामती से मुराद यही है कि वो अल्लाह के इस दीन में आ जाए और दुनिया और आखिरत की सलामती उससे मुराद ली जाए। जैसे कि हदीस में आता है कि हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छींक मारते थे कि रसूलुल्लाह सल्लम उनके लिए ये कह दें कि यरहमुकुम अल्लाह, कि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अल्फाज कहने के बजाय ये फरमाते थे कि यहदीकुमुल्लाहु वयुस्लिहु बालकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारी हालत संवार दे। तो इससे मालूम ये हुआ कि ये यहूदी जानबूझकर छींक जैसी आवाज़ निकालते थे या फिर छींक जानबूझकर लाते थे, तो वो इस उम्मीद से ऐसे करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ कर दें और उन्हें आपकी दुआ की बरकत हासिल हो जाए। क्योंकि यहूदी बातिनी तौर पर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के कायल थे, लेकिन वो सिर्फ अपने हसद और इनाद की वजह से ईमान नहीं लाया करते थे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें अपने जूद व सखा से महरूम नहीं रखते थे, बल्कि अपनी मजलिस में आने, अपने सामने बैठने का की इजाज़त दे देते थे। और वहाँ पर ये उनके कहने पर सिर्फ यही फरमाते थे कि यहदीकुमुल्लाहु वयुस्लिहु बालकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हारी हिदायत दे और तुम्हारी हालत को संवार दे। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको दुआ दी है, लेकिन हिदायत दी है कि अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे दे, तुम्हें राह हिदायत के राही बन जाओ, और अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हें हिदायत दे दे और तुम ईमान ले आओ और हिदायत याफ्ता बन जाओ, तुम्हारी दीनी हालत भी सुधर जाए, तुम्हें इस्लाम की रहनुमाई मिल जाए। तो इसीलिए उलमाए किराम यही कहते हैं,
अगर वो शख्स दिल में ये नियत करे कि अल्लाह ताला उसको लंबी जिंदगी इसलिए दे ताकि उसे ईमान लाने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिल जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह गैर मुस्लिम को ये कह दे कि अल्लाह तुम्हारी रहनुमाई फरमाए, तुम्हें हिदायत दे, ये भी अच्छा है, ये भी कहा जा सकता है। तो खुलासा यही हुआ कि ईद और दीगर खुशी के मौके पर गैर मुस्लिम की जानिब से जो भी हमें पैगाम मिले तो मुसलमान का उसको जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है कि इस तहनियत का जवाब देते हुए मुनासिब जुमले इस्तेमाल करें। मसलन ये कह दे कि अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत दे, तुम्हें तौफीक दे, तुम्हें मुअज्जज बनाए, तुम्हें सदा सलामत रहो, इसी तरह के दीगर जुमले भी कहे जा सकते हैं। और इन दुआ कलिमात से मुराद ये लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला उसको इस्लाम की तौफीक अता फरमा दे और इस्लाम की जानिब रहनुमाई फरमाए, तो ये कामिल और आसान तरीका होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम जब ये इस तरह के हमको ये दुआया कलिमात कहते हैं तो उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि वो इस्लाम कबूल करके हमारे भाई बन जाएं। और दूसरी बात ये भी हम ख्याल रखें कि उसमें उनके साथ अखलाक का पहलू जो है वो भी ख़त्म ना होने पाए ताकि वो हमारे अच्छे अखलाक से मुतासर होकर हमारे दीन की तरफ रागिब हों, दीन में दाखिल होने का उनमें शौक़ मौजूद हो और वो मुसलमानों के अच्छे अखलाक से मुतासर हों। तो ये जब हम उनके साथ इस तरह का सलूक रखेंगे तो यकीनन वो हमारे दीन की जानिब रागिब होंगे और इसी तरह ही अल्लाह ताला उनके दिलों में ये मोहब्बत डाल देगा और वो इसके लिए फिर बिल्कुल ही तैयार होकर हमारे पास आएंगे या हमारी हर बात को कबूल करने के लिए तैयार रहेंगे। अल्लाह ताला हमें भी सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उनको भी इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए।